हेलो फ्रेंड्स, साई रेसिपी लैब में और एक नई रेसिपी के साथ आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वेज मोमोज की रेसिपी। तो टेस्टी लाजवाब मोमोज बनाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी। तो वेज मोमोज बनाने के लिए लगने वाले सभी इंग्रेडिएंट मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने घिसा हुआ पत्ता गोभी लिया है 120 ग्राम के आसपास, एक बड़े साइज का बारीक कटा हुआ प्याज, कद्दूकस किया हुआ एक गाजर, जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चम्मच, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक काट कर ली है, 1 पिंच काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, रिफाइंड ऑयल 2 टेबलस्पून, टेस्ट के अनुसार नमक और 300 ग्राम मैदा। मैदा आप आपके हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और सोया सॉस यूज करेंगे 1 चम्मच। तो सबसे पहले हम मोमोज की कवरिंग बनाने के लिए आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल में 300 ग्राम मैदा लिया है। अब इसमें डाल दे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। मैदे में रिफाइंड ऑयल डालने से मोमोज की कवरिंग सॉफ्ट बनेगी। इसके साथ ही इसमें डाल दे स्वादानुसार नमक और इसे हाथों से अच्छे से मिक्स कर ले। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ लेते हैं। पूड़ी बनाने के लिए हम जैसा आटा लगाते हैं, सेम वैसा ही आटा मोमोज की कवरिंग बनाने के लिए लगाना है। ना इसे ज्यादा सख्त रखना है ना ही ज्यादा नरम। आटा गूंथने के बाद अब इसे सेट होने के लिए एक हल्के गीले कपड़े से ढककर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं, जिससे कि यह सॉफ्ट बनेगा। अब इसे साइड करके हम मोमोज की स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। तवे में मैंने थोड़ा सा तेल गरम कर लिया है। अब इसमें डाल दे 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और इसे हल्का भून लेते हैं। अदरक लहसुन की पेस्ट थोड़ी भूनने के बाद इसमें डाल दे कटी हुई हरी मिर्च, इसे थोड़ा चला दे। अब इसमें डाल दे बारीक काटा हुआ प्याज और इसे भी 2 से 3 बार चला दे। और अब इसमें डाल दे एक कद्दूकस करके लिया हुआ गाजर, इसे 1 से 2 बार चला दे। इस तरह बार बार पलटा चलाने से नीचे ये जलेगा नहीं। और लास्ट में डाल दे घिसा हुआ पत्ता गोभी और इसे भी अच्छे से मिक्स करते हुए 4-5 बार चला दे। अब इसमें डाल दे 1 पिंच काली मिर्च पाउडर और कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी मिक्स करते हुए चला दे। और अब इसमें डाल दे स्वादानुसार नमक और नमक को इसमें अच्छे से मिक्स कर ले। और अब लास्ट में डाल दे 1 चम्मच सोया सॉस। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर ले। और अब इसे एक बाउल में निकाल ले। इसके बाद हम मोमोज की कवरिंग बेलते हैं। अब 10-15 मिनट रखने के बाद ये आटा थोड़ा मुलायम हो गया है। अब इसे इस तरह दोनों हाथों से मसल कर इसका रोल बना ले। इस आटे का इस तरह से रोल बनाने से हम सभी पेड़े आसानी से एक साइज में काट सकते हैं। और अब इसके इस तरह एक एक करके पेड़े काट ले। अब ये पेड़े काटने के बाद इसे एक बाउल में भर लेते हैं और एक एक करके इनकी पूड़ियां बेलना शुरू करते हैं। इसकी पूड़ी बेलने से पहले इसे हाथों में लेकर दोनों हाथों से प्रेस करते हुए गोल शेप दे दे। और अब इसे बेलना शुरू करें। अगर ये बेलते समय नीचे चिपकता है तो आप थोड़ा कुकिंग ऑयल लगा दे या नीचे मैदे की डस्टिंग कर दे। अब ये कवरिंग बेलने के बाद इसमें डाल दे वेजिटेबल की स्टफिंग। स्टफिंग डालने के बाद इसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा दे। पानी लगाने से अच्छे से चिपकेगा। और अब इसे इस प्रकार से धीरे धीरे करके क्लोज कर दे और इसी तरीके से बाकी सभी मोमोज बना ले। तो इस प्रकार हमारे सभी मोमोज बनकर तैयार है। अब हम इसे पका लेते हैं। तो मोमोज पकाने के लिए कढ़ाई में आधी सेट होने वाले आकार की इस प्रकार से एक छलनी ले ले, जैसे कि यहाँ पर मैंने ली है। और ये छलनी अंदर से रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर दे। छलनी में अंदर से ग्रीस करने के बाद सभी मोमोज इसमें रख दे और कढ़ाई में 2 कप पानी डालकर इसे बॉईल होने दे। और पानी जैसे ही बॉईल होगा इस छलनी को कढ़ाई में रख दे और इसे लिड से ढककर लगभग 10 मिनट के लिए ये मोमोज पकने दे। तो अब 10 मिनट के बाद हमारे मोमोज पक चुके हैं। अब हम इसका लिड हटा देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वेज मोमोज बनकर तैयार है। आप इसे मोमोज की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व कर दे। और आपके मोमोज कैसे बने ये मुझे कमेंट करके जरूर बता दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।